सुंदर पवन जैसा वेग, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा, जग केसरी नंदन कहेगा। मुख पे रहेगा, खेलेगा गोदी में जब लल्ला, नन्ही अखियों में चमकेंगे सूरज, चमकेगा और चंदा, अग्नि सा तेज मुख पे रहेगा, खेलेगा गोदी में जब लल्ला। ओजस्वी बलशाली ज्ञानी वो चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित रहेगा, चारों युग में पूजित भोलेनाथ से रुष्ट नहीं होना। चलो उमा, मेघ फिर से घिर आया है, बरसने से पहले ही हम प्रस्थान करते हैं। भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला दो अक्षरों का तारक मंत्र है राम। राम राम अब हम सबको आज्ञा दीजिए। हे नटवर नागर, हमारी उत्सुकता और ना बढ़ाइए, आगे की कथा सुनाइए ना। हाँ श्याम सुंदर, बताइए ना आगे क्या हुआ। मेरे संकट मोचन का जन्म होता, इसके पहले ही उनके प्राणों को संकट में डालने वाला एक शत्रु उपस्थित हो गया। अजन्मे शिशु का शत्रु? ऐसी नीचता किसने की नाथ? वानर राज केसरी के सुमेरु राज्य के समीप ही किष्किंधा पर्वत पर वानरों के राजा ऋक्षराज शासन करते थे। किशोर आयु के
उनके दो बड़े पराक्रमी पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे सुग्रीव। प्रयास करना ही खिलाड़ी का धर्म है बाली भैया, और मैं प्रयास करता रहूंगा। फिर जीत गया सुग्रीव, मैं फिर जीत गया। तुम सदा के लिए मुझसे हार क्यों नहीं मान लेते? क्यों प्रतिदिन मुझसे हार कर तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? अगर मैं हार मान गया तो तुम किसके संग प्रतियोगिता करोगे बाली भैया? फिर तुम पूरे विश्व में अपना प्रतियोगी ढूंढते बैठोगे। तुम चाहे जितना भी बल लगा लो, पर मेरे समान बलवान और वेगवान नहीं बन सकते। और तुम्हें क्यों, इस समग्र विश्व का कोई भी योद्धा मेरी टक्कर का नहीं है। और हाँ, ये मेरी चुनौती है। तो एक और चुनौती के लिए तैयार हो? तैयार हूँ बाली भैया। अब आज भी हारने का दंड चुकाओ, जाओ मेरे लिए केले लेके आओ। अभी लाता हूं भैया। मैं अजय हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। श्रीमन नारायण नारायण। मुनिवर, मैं अजय हूं, ये मेरा अहंकार नहीं सत्य है। आज अजय हो, कल हो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।
मेरा भाई सुग्रीव सूर्य समान तेजस्वी और बलशाली है, और जब वो मेरे तेज और बल का सामना करने में असमर्थ रहा तो और किसी का क्या सामर्थ। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें सुग्रीव से ही हारना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपने बल का अहंकार ना करो। परम पुरुष नारायण की माया के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। हे मुनिवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। किंतु यह कैसे संभव है? मैं नहीं मानता। संभव है। जब सुग्रीव को इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा का सहयोग मिलेगा तो तुम्हारी हार होकर रहेगी। सबसे शक्तिशाली योद्धा वो तो मैं हूं। ये तो तुम्हारा भ्रम है बाली। तुमसे भी शक्तिशाली योद्धा शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। उसके बल के आगे तुम जैसे प्राणियों का ही नहीं देवताओं का बल भी फीका पड़ जाने वाला है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का घमंड छोड़ दो वत्स। किंतु वो है कौन? सुमेरु के शासक वानर राज केसरी का होने वाला पुत्र। श्रीमन नारायण नारायण हरे। देवर्षि नारद जी की शिक्षा से उल्टे बाली के मन में शत्रुता का ऐसा बीज पड़ा जो बिना किसी विलंब के अंकुरित होकर कुकृत्य रूपी फल देने वाला पाप वृक्ष बन गया। किंतु हे सर्वज्ञ सर्वेश्वर, नारद जी तो देवर्षि है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? वो जो करते और कहते हैं उससे अंततः देवताओं और लोक का कल्याण ही सिद्ध होता है। किंतु उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वो देवताओं और प्राणियों का अहित कर रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुनिवर नारद की शिक्षा के तत्काल परिणाम से बाली ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला से जलने लगा। मैं इस धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं और रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी अजन्मे शिशु की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े। ऐसा रसायन चाहिए जिसे खाकर तत्काल मृत्यु हो जाए। Thank you.
देखिए युवराज, इस डिबिया में मैंने स्वर्ण, रजत, लौह और पारा पंच धातुओं की भस्म को मिलाया है, और इसके अतिरिक्त मैंने इसमें विषैली लूता अर्थात जंगली मकड़ी के विष को भी मिलाया है। अब ये विष ऐसा तैयार हो गया है जो तत्काल मृत्यु को देने वाला है, और इसका लक्षण भी ऐसा होगा कि अच्छे से अच्छा वैद्य भी ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाएगा कि इस विष की प्रकृति क्या है। उपचार तो दूर की बात है युवराज। महारानी के लिए खीर बन गई, ठंडी होने के लिए रख दो। बाली अपने प्रतियोगी को जन्म लेने से पूर्व ही मार देने का हठ ठान चुका था। एक बार असफल होने पर भी उसने हार ना मानी, और दूसरे दिन भोर में नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च पुरोहित जी कहां चले गए आज? लगता है इस स्थान से अपरिचित हैं आप। भूल तो हुई है। यदि पुरोहित जी यहां होते तो महारानी को खीर का दोना नहीं संपूर्ण पात्र ही सौंप देते।